अस्सलामुअलैकुम, मैं हनीफ दुआमी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द अवामी। घर का बेदी लंका डाए, फवाद चौधरी। जिस दिन से फवाद चौधरी का साया पीटीआई पर पड़ा है, उसी रोज़ से पीटीआई कम और इमरान खान ज़्यादा परेशानी का शिकार हुए हैं। हर तीसरे महीने फवाद चौधरी कोई ना कोई नया शोशा ऐसा छोड़ देते हैं कि वो खबरों की जीनत बन जाते हैं और पीटीआई खबरों में आ जाती है, मनफी खबरों में। अभी एक रोज़ कबल जनाब फवाद चौधरी ने किसी गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि पीटीआई में कौन किसके हाथों जलील हुआ, यानी कौन किसके हाथों पार्टी से निकाला गया। उन्होंने पहले तो जहांगीर तरीन के हाथों असद उमर की छुट्टी का जिक्र किया और बाद में फिर असद उमर के हाथों जहांगीर तरीन की रसवाई का जिक्र किया। ये सब क्या है, ये कौन सी अलामत है? अगर फवाद चौधरी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए तो उससे यही पता चलता है कि वो हमेशा किसी भी पार्टी के तबाही से पहले, किसी भी हुकूमत के तबाही से पहले नई राह तलाश करने के लिए इसी तरह के हरबे, इसी तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते रहते हैं। उनकी इन हरकतों से यही मालूम होता है कि पीटीआई के दिन पूरे हो चुके हैं, इस हुकूमत के दिन पूरे हो चुके हैं और वो किसी नई पार्टी के लिए, नई पार्टी में जाने के लिए पहले से अपनी राह हमवार कर रहे हैं। मुखालिफिन का तो पहले रोज़ से ही कहना है कि वो पीटीआई में एज अ मुस्तार आए हैं और दूसरों पार्टियों के लिए एज ए एजेंट का किरदार अदा कर रहे हैं, उनके लिए रोज़े अव्वल से यही मशहूर था। और अब जब उनकी हरकतें ज़्यादा हो गई हैं, तेज़ हो चुकी हैं, तो ये बात हर कोई कहने पर मजबूर है कि पीटीआई के दिन पूरे हो चुके हैं और ये किसी और शाख पर उड़ने के लिए फवाद चौधरी अभी से पर तोल रहे हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।